रेलवे के महाप्रबंधक अनिल लाहोटी शुक्रवार को वार्षिक निरीक्षण पर बैतूल पहुंचे। उन्होंने दासी से बैतूल और आंवला से परासिया तक रेलखंड का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी क्षेत्रों में बेहतर संधारण किए जाने पर संतोष जताया। बैतूल में दो दिन पूर्व हुई ट्रेन आंचरी की घटना पर भी उन्होंने जांच कमेटी बनाए जाने की बात कही है। जीएम ने ट्रेनों के स्टॉपेज की अनुशंसाएं रेलवे बोर्ड मंत्रालय को भेजने की बात कही है। रेलवे जीएम ने इटारसी से बैतूल तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने शाबाशी देते हुए कहा की इटारसी से बैतूल तक रेल ट्रैक बहुत अच्छी तरह से संधारित है। ट्रेन पर झटके नहीं है, स्टेशनों का मेंटेनेंस भी अच्छा है, पुल ओएचआई केबल अच्छे हैं और बेहतर करने के लिए वे आवश्यक सलाह देंगे। वहीं दो दिन पहले बैतूल छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन की दो बोगियों में लगी आग के मामले में जीएम ने कहा कि इसके लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद ली जा रही है, जिससे पता चला है कि आखिर आग के कारणों की वजह क्या है। फिलहाल कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। खड़े कोच में आग जो लगी है इसकी जाँच कराई जा रही है। इसके लिए जाँच कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी सभी पहलुओं की जाँच करेगी। जीएम अनिल लाहोटी ने बताया कि उन्हें जितने भी ट्रेनों के स्टॉपेज की डिमांड आई है उसे कंसिडर करते हुए इसकी अनुशंसा की जाएगी। मांगों में जो जस्टिफाई होगा उसकी अनुशंसा का रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। महाप्रबंधक जो ने बैतूल रेलवे स्टेशन पर मौजूद माल गोदाम को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी दे दी है। के बारे में हमने जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसकी मदद ली है, क्योंकि कोई कारण ऑब्वियसली उसमें नजर नहीं आ रहा है। खड़े हुए कोच में अचानक आग लगी है, तो इसकी जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की मदद से ली जा रही है और इसमें एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो उसमें जितने भी संबंधित पहलू हैं जिस जिस कारण से आग हो सकती है उसका सबका जांच करेंगे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी जानकारी आपको देंगे। सर, मेरा जाने के लिए मेमू ट्रेन की मांग पिछले लंबे समय से यहाँ नागरिक लोग कर रहे हैं सर, तो लेकर के आमला और आमला से परासिया इस सेक्शन का निरीक्षण कर रहा हूँ। जो इटारसी से बैतूल तक का मैंने निरीक्षण किया, वो निरीक्षण में मैंने पाया कि ट्रैक बहुत ही अच्छा मेंटेन है, बहुत वेल मेंटेन ट्रैक है, कहीं भी किसी प्रकार के झटके इसमें नहीं है। जो स्टेशन हमने देखे घोड़ा डिंगरी और बैतूल, दोनों का जो मेंटेनेंस है बहुत अच्छा पाया गया। इसी प्रकार जो पुलों का, जो सिग्नलिंग का, ओएचआई का निरीक्षण पाया वो बहुत अच्छा है। हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है, तो वो सजेशन जो हमने निरीक्षण में किया उसमें जो भी फर्दर इम्प्रूवमेंट की बताया वो हमने। सर, मीडिया किसी घटना को कवर कर रहा है इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये जरूरी कि हम किसी घटना को जो हमारे कर्मी उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको आग बुझाने का कार्य, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जहाँ तक जानकारी देने का सवाल है, हमारे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं मिस्टर शिवाजी सुतार, ये बॉम्बे में। इसके अलावा हमारे पब्लिसिटी इंस्पेक्टर नागपुर में, ये लोग ऑथराइज हैं, जो ऑथराइज वर्जन जिनको देना चाहिए। यदि आपको इस समय इस घटना के क्रम में कोई ऑथराइज वर्जन मिलने में दिक्कत आई है जी, तो वो जरूर रेलवे की कमी रही है। हम आप ये हम हमारा दायित्व है कि आपको ऑथराइज वर्जन